अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद राबी। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक की रेसिपी। स्ट्रॉबेरीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स मौजूद होते हैं। इसमें विटामिन सी मौजूद होता है जो हमारी स्किन को फेयर करता है, हमारे हेयर्स को शाइनी और स्ट्रॉन्ग बनाता है, नेल्स को हमारे स्ट्रॉन्ग करता है। स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड होते हैं जिससे फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिए, स्किप ना कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। इंग्रेडिएंट्स मैं आपके साथ शो करवा देती हूँ। 2 ग्लास मिल्क लिया है, 1 कप स्ट्रॉबेरीज ली थी, इसका ग्रीन पार्ट सेपरेट कर लिया था, फिर इसे ठीक से वॉश करके कट कर लिया था। 4 टेबल स्पून इसमें शुगर ऐड होगी, 4 टेबल स्पून मिल्क पाउडर ऐड करना है। इसमें फ्रेश क्रीम ऐड होगी टेट्रा पैक की, 2 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क ऐड करना है, 2 टेबल स्पून आइस क्यूब्स लिए हैं। स्टार्ट करते हैं। एक जूसर ब्लेंडर ले लेंगे, इसमें 2 ग्लास मिल्क ऐड करना है। 4 ग्लास मिल्क शेक की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मिल्क इसमें ऐड कर दिया है, अब इसमें स्ट्रॉबेरीज ऐड कर देंगे। शुगर ऐड करनी है, 4 टेबल स्पून मिल्क पाउडर ऐड करना है, 4 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम इसमें ऐड करनी है, 2 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क ऐड कर देंगे इसमें 2 टेबल स्पून। अब इन सबको ठीक से ब्लेंड करना है। अभी आइस क्यूब्स इसमें ऐड नहीं करनी है। सारी चीज़ें ठीक से ब्लेंड हो गई हैं, अब इसमें 1 कप आइस क्यूब्स ऐड कर देंगे। स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक की प्रॉपर ब्लेंडिंग हो चुकी है, आइस क्यूब्स इसमें बाद में ऐड करनी होती है। ये टिप्स आप ज़रूर याद रखिएगा। अब इसको ग्लास में ऐड कर देंगे। 4 ग्लास मिल्क शेक की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। ये बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल बनके तैयार होता है। कंडेंस मिल्क से इसका फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है। मिल्क पाउडर भी इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा। फ्रेश क्रीम से ये क्रीमी फॉर्म में आ जाता है, इसका टेक्सचर बहुत मज़ेदार बनता है। ये मिल्क शेक आप इसे मॉर्निंग टाइम में बना के इंजॉय कर सकते हैं। सीजनल फ्रूट है स्ट्रॉबेरी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़ेदार बनेगा, घर में सभी को पसंद आएगा ये। अब इसमें स्ट्रॉबेरीज कट करके इस तरह लगा देंगे ताकि ये प्रेजेंटेबल लगे। अब इसी तरह दूसरे ग्लास में भी लगा देंगे। मज़ेदार सा स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बनके तैयार हो गया है। आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इस रेसिपी को मेरे कहने से एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनके तैयार होगा। सो व्यूअर्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब